Assalamualaikum dear students, welcome to the Base Academy. आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, ये टॉपिक बीएस फिजिक्स और बीएससी जो है टू ईयर बीएससी या एडीपी वगैरह उन क्लासेस के लिए है. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर हम डायपोल मोमेंट को देखेंगे और फिर उस डायपोल की वजह से किसी भी अर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है. ठीक है जी, तो जिस तरह आपको नाम से लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि चार्जेस होंगे और डायपोल उसके दो पोल्स होंगे. तो अब इसको प्रॉपर हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है इसकी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges separated by small distance. यानी कि अगर हमारे पास दो charges हो, उनका magnitude बराबर हो, ठीक है, और sign दोनों पर opposite हो, यानी कि अगर एक charge positive है और दूसरा charge negative है, ठीक है, sign opposite है लेकिन दोनों का magnitude same है, ऐसे चार्जेस को अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दें तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं. अब आगे चल के भी देखेंगे कि वो स्मॉल डिस्टेंस कितना होना चाहिए जहां पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन सकता है. सो डेफिनेशन क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. यहां आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उनके साइन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड उनके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है. ठीक है, यहां पर तो बजाय ये लग रहा है कि इनके दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा है लेकिन एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है. यहां पर हमने बोर्ड पे इसको बनाया है समझने के लिए, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस आपको इनके दरमियान ज्यादा लग रहा है. सो ये है जी इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन. उसके बाद हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डायपोल मोमेंट. ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन करते हैं फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो डायपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, यानी कि हमारे पास जो चार्जेस हैं उनमें से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज का ले रहे हैं या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उस मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दें उनके दरमियान डिस्टेंस से, तो ये बन जाता है हमारे पास डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, तो डायपोल मोमेंट भी वेक्टर है. ठीक है जी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ पर एक डायपोल बना लें, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये डायपोल बना रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. अब ऐसा क्यों है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ ही क्यों होती है, डायपोल मोमेंट खुद क्या है, जरा इन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले कि डायपोल मोमेंट क्या है, ये तो एक सिंपल उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि आप इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करें तो डायपोल मोमेंट है. इसकी जो कंसेप्चुअल या लॉजिकल इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, तो बच्चों डायपोल मोमेंट में एक चार्ज है दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उनके दरमियान कितने डिस्टेंस के ऊपर डायपोल फॉर्म होगा, कितने डिस्टेंस के उनके दरमियान डिस्टेंस कितना रखा जाए कि डायपोल बनेगा. ठीक है, तो उस डिस्टेंस और चार्ज का जो प्रोडक्ट है ये डिसाइड करता है कि डायपोल कहां बनना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप कितना लेंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना लेंगे तो वो डायपोल बनेगा. सो ये है एक्चुअल डायपोल मोमेंट. ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि आपका डायपोल बनेगा या डायपोल नहीं बनेगा. उसके बाद हमने कहा कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है. इसकी एक वजह तो है कन्वेंशनल, हम ऐसा कन्वेंशनली करते हैं क्योंकि कन्वेंशनली हमने इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ली थी, तो हम भी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही लेते हैं. ठीक है, अब दूसरी वजह इसकी है कि अगर आप इस डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है जी, इस डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो डायपोल रोटेट करेगा और रोटेशन के बाद आपका पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा. तो डायपोल मूवमेंट वेक्टर जो है ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है. यानी कि जब आप इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डायपोल रोटेट करेगा
और उस रोटेशन के बाद डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए भी हम इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, वरना जो मोमेंट होता है, मोमेंट का मतलब होता है रोटेशन। तो डायपोल मोमेंट से मुराद है कि जब हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो कितना रोटेट करेगा, उसमें कितना रोटेशन आएगा, इसको भी हम डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे डायपोल और डायपोल मोमेंट की डिस्कशन थी। अभी हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इस डायपोल की वजह से किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर, अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट चूज कर लें, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए जी, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर वन है, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आर टू है, जबकि इस डायपोल का जो सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास सिंपली आर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस चार्ज से, ठीक है जी। तो ये देखिए, इस पॉइंट के बाद आर वन और आर टू क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर टू में ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो हमारा ये वाला इतना पोर्शन हमने बना लिया है, ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये पूरा जो है ये आर टू है, ठीक है। हमारे पास ये पूरा जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये आर टू है, ठीक है, और इतना आर वन है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर देखा जाए तो आर टू और आर वन, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये आर वन है, यहां से लेकर यहां तक ये भी इसके बराबर है, तो हम यहां से लेकर यहां तक इसको भी आर वन कह सकते हैं। तो पूरा आर टू है, इसमें से इतना माइनस कर दें जो कि आर वन के बराबर है, तो जो बाकी बचेगा वो ये डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं आर टू माइनस आर वन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखें तो डिस्टेंस आर वन है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आर वन आ जाएगा, इसको हम वी वन कह लेते हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो ये डिस्टेंस आर टू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू ओवर आर टू, ठीक है। इसको भी क्यों लिया है, इसको भी क्यों लिया है, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन नेगेटिव है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर नेट पोटेंशियल निकालें तो आपको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और वो सिंपली ऐड करने से आ सकता है। तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वी वन प्लस वी टू। वी वन हमारे पास क्या है, के क्यू ओवर आर वन, और वी टू हमारे पास क्या है, माइनस के क्यू ओवर आर टू। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, आर वन आर टू, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा जी, के क्यू, के क्यू को आप यहां से कॉमन निकाल लें, के क्यू को अगर हम यहां से कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो आर वन आर टू एलसीएम आ गया, यहां पर आर वन कैंसिल, ये बन गया आर टू माइनस आर वन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया नेट पोटेंशियल, के क्यू इंटू आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन आर टू। तो ये हमारे पास आ गया टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की वजह से। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है जी। इस ट्रायंगल में अगर यहां पर एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होता, ठीक है। अगर ये डी है तो, अगर ये डी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डी साइन थीटा, और इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डी कॉस थीटा। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि R2 R1 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है d cos theta over R1 R2। तो finally V हमारे पास आ गया K Q into d cos of theta और divided by R1 R2। हमने शुरू में डायपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने कहा था कि डायपोल मोमेंट जो है ये प्रोडक्ट है Q का और d का। तो यहां पर आपको ये Q और d नजर आ रहा है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम डायपोल मोमेंट को पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जी, पोटेंशियल इज इक्वल टू के पी कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय आर वन आर टू। लेट सपोज कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर है इस डायपोल से, यानी कि ये जो आर है हमारा, आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डी, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में ये आर बहुत ज्यादा है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लो कि ये पॉइंट जो आपने चूज किया है इस डायपोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। अगर ऐसा है तो
तो फिर आर वन और आर टू के दरमियान जो इतना सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी बहुत माइनर हो जाता है, इस डिफरेंस की कोई खास अहमियत नहीं रह जाती। तो इस सूरत में आर वन और आर टू जो है ये बराबर तो नहीं होंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इस सूरत में हम आर वन और आर टू दोनों की जगह ही क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया के पी कॉस ऑफ थीटा, आप आर वन की जगह भी आर पुट करो और आर टू की जगह भी आर पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल डायपोल की, रियल लाइफ में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एक नेचुरल एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डायपोल की। अगर आप देखें तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये दोनों जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं या जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सेंटर में इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर है वहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के सेंटर से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की रियल एग्जांपल है या नेचुरल इसकी एग्जांपल है। अच्छा जी, उसके बाद एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास यहां पर, तो हमने जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है वो हमने यहां पर लिया है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का केस हो कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी, हमने जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट बजाय यहां लेने के, वो पॉइंट हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लें, ठीक है। यानी कि ये जो डायपोल आपको नजर आ रहा है, इस डायपोल पे हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो इसके सेंटर में से पास हो। तो इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से अगर आप इस डायपोल के बिल्कुल सेंटर में यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो भी जीरो आएगा। और वो लाइन जो डायपोल के सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन जो डायपोल के सेंटर से पास हो रही है, उस लाइन के ऊपर भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।